दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब क्या होता है, टीम में कितने सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल सकते हैं, अगर हम अपनी टीम में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लें तो ये हमें पॉइंट देगा या नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों पहले ड्रीम 11 पर यहाँ पर आपको अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड केवल दो ही ऑप्शन देखने को मिलता था। जो प्लेयर खेलता था उसका यहाँ अनाउंस्ड का नाम देखने को मिलता था, जो प्लेयर नहीं खेलता था उसका यहाँ अनअनाउंस्ड नाम देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस साल से ड्रीम 11 पर एक नया ऑप्शन देखने को मिल गया है सब्स्टिट्यूट का। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, सब्स्टिट्यूट प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी मैच चल रहा है और बीच मैच में किसी भी प्लेयर को उस मैच में चोट लग जाता है तो उस प्लेयर को उस मैदान से बाहर ले जाया जाता है, उसी प्लेयर की जगह हमें उस मैच में दूसरे प्लेयर को बुलाया जाता है जिसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर या इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं। अब दोस्तों ये बता दें कि ऐसा नहीं कि किसी प्लेयर को चोट लग जाता है तभी हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी भी बॉलर या बैटर किसी को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, चाहे किसी भी प्लेयर को चोट लगे या न लगे। अब दोस्तों ये बता दें कि एक मैच में कितने सब्स्टिट्यूट प्लेयर को हम रख सकते हैं, एक मैच में 4 या 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर को कैप्टन अपनी टीम में कब अनाउंस्ड करता है, कब बताता है कि आज ये प्लेयर हमारे टीम में सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलेंगे। जब दोनों टीमों के बीच टॉस होता है तो टॉस होने के बाद दोनों टीमों के कैप्टन अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नाम बता देते हैं, आज हमारे टीम में इतने इतने प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलेंगे। 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर को एक मैच में खिलाया जाता है, लेकिन केवल एक ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, दोबारा उस प्लेयर को आप अपनी टीम में नहीं बुला सकते हैं, केवल एक ही बार अपनी टीम में उसे बुला सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि ड्रीम 11 पर अगर हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपनी टीम में रखते हैं तो ये हमें पॉइंट देता है या नहीं, केवल कैप्टन ही बता सकता है कि इस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट के रूप में खिलाना है। वो चाहे तो शुभमन गिल को खिला सकता है, वो चाहे साई सुदर्शन को खिला सकता है, वो उसके ऊपर है। अब दोस्तों अगर आपको ये कन्फर्म मालूम है कि आज शुभमन गिल को सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में खिलाया जाएगा तो आप 100% आप अपनी टीम में शुभमन गिल को रख लीजिए। अगर ये मैदान पर शानदार परफॉर्मेंस यानी कि अच्छे बैटिंग करता है, जो भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में आप अपनी टीम में रखते हैं अगर वो प्लेयर अच्छा बैटिंग या बॉलिंग करता है तो वो 101% आपको पॉइंट देगा। तो दोस्तों यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।